तो गाइस अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर हैं और आपके पास कोई IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट है और आप उसे अपग्रेड कराना चाहते हो, जैसे कि अगर आपके पास कोई 10,000 मंथली एवरेज वाला अकाउंट है IDFC फर्स्ट बैंक का, तो आप उसे 25,000 मंथली एवरेज में कन्वर्ट कराना चाहते हो, या फिर आपके पास 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे 10,000 रुपये मंथली एवरेज में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कौन सा वो फॉर्म है, वो फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये फॉर्म आपको कहाँ पर जमा करना है, कैसे करना है, क्या क्या इसके लिए कंडीशन रखी गई है बैंक के द्वारा। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को अकाउंट अपग्रेड कराने के लिए गूगल पर आना है और यहाँ पर आकर के आपको सर्च करना है IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट अपग्रेड फॉर्म। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके सामने ये तो पेज निकल के आएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे, तो आपके सामने एक फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ओपन वाला आइकन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ गया है। तो गाइस फॉर्म भरने से पहले एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने एक कंडीशन रखी है अकाउंट को अपग्रेड कराने की, कि अगर आपका कोई भी अकाउंट है और आप उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपका अकाउंट कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए, और ये कंडीशन कभी भी बैंक चेंज कर सकती है। तो जब आप अपना अकाउंट अपग्रेड कराने के लिए जा रहे हो तब एक बार बैंक से जरूर कंफर्म कर लें, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या फिर बैंक में जा करके। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन कभी भी चेंज कर सकती है बैंक। तो अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि 3 महीने से अगर आपका अकाउंट पुराना है, 3 महीने आपके खाते को खुले हो चुका है, तो आप अपग्रेड करा सकते हो। तो गाइस इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अकाउंट आपने जब अपग्रेड कराने के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हो उस समय की आपको डेट यहाँ पर देनी होगी, तो यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। लेकिन इस फॉर्म को भरते समय एक बात का विशेष करके ध्यान देना है, सारा का सारा जो फॉर्म है आपका वो कैपिटल अक्षर में होना चाहिए, किसी प्रकार की आपको इसमें घिसापिसी नहीं करना है। अगर इसमें कुछ गलत हो जाता है तो आपको दूसरा फॉर्म भरना है, बैंक इसको मान्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको इसी तरीके से सही सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। अब गाइस आप लोगों को सबसे पहले जो कॉलम आपको दिख रहा है इस कॉलम में आपको नाम डालना है, तो एक एक करके आपको एक डिब्बे में अपना एक एक करके नाम डाल देना है, इंग्लिश में जो भी आप डालना चाहते हो। जैसे कि अगर मेरा नाम मनीष है तो मैं इस डिब्बे में M डालूंगा, फिर A डालूंगा, इस प्रकार से एक एक करके आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। इसी के नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन कस्टमर आईडी का, तो आपको अपनी कस्टमर आईडी यहां पर दे देनी है। अकाउंट नंबर का ऑप्शन आपको रहेगा तो यहां से आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है। साथ में अब नीचे मेन ऑप्शन एक आता है आपके सामने जहां आपको अपना अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा कि आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करा रहे हो तो जो किस चीज में अपग्रेड कराना चाहते हो, मतलब कि इसके कई सारे अकाउंट खुलते हैं, कई प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, तो आप जो अपग्रेड करा रहे हो वो किस अकाउंट के अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर दे रहे हो। जैसे कि अगर आपका अकाउंट पहले वाला अकाउंट 10,000 मंथली वाला है तो जो अब आप अपग्रेड की रिक्वेस्ट दे रहे हो वो 25,000 वाले की दे रहे हो, या फिर पहले आपका 25,000 मंथली वाला एवरेज वाला अकाउंट था और अब आप 10,000 वाला कराना चाहते हो तो वो आप लोग यहाँ पर बताना होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बात का नोटिस करना है, कुल मिलाकर के आपको 5-6 ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर। तो इसमें आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू प्रोजेक्ट में सेविंग अकाउंट का। अब आप अगर आपका खाता 25,000 मंथली वाला है तो यहाँ से आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज पर टिक कर देना है, और अगर आपका पहले खाता 10,000 मंथली एवरेज वाला था और आप 25 वाला कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। कुल मिलाकर के जो भी आप खाते को नया कन्वर्ट कराना चाहते हो जिसमें वो वाला यहाँ से आपको टिक कर लेना है। इसमें आपको सीनियर सिटीजन का अकाउंट मिलेगा तो आप सीनियर सिटीजन में कराना चाहते हो तो यहाँ से वो कर सकते हो। यहाँ से आपको इनसे मतलब नहीं, ज़्यादातर आप लोगों को सेविंग अकाउंट पर ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा उस पर ही यहाँ पर करना होगा। बाकी अगर IDFC फर्स्ट बैंक का पावर सेविंग अकाउंट इनमें कराना चाहते हो तो ये करा सकते हो। बाकी अगर देखेंगे आप लोग के नीचे आपको IDFC फर्स्ट बैंक के स्टाफ का अकाउंट है तो स्टाफ का अकाउंट तो आप देख लीजिए, बाकी ऊपर वाला ऑप्शन आप लोग मेन रहेगा। इनमें से आप लोग अगर कुछ है ऐसा तो आप चुन सकते हो। यहाँ पर गाइस नीचे आपको मिलेगा अपना जो कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, इस प्रकार से आप ये चुन सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका डेबिट कार्ड है वो किस फॉर्म में आप लेना चाहते हो। वहाँ पर दो प्रकार के डेबिट कार्ड आपको मिलेंगे, एक मिलेगा प्लेटिनम, एक मिलेगा क्लासिकल। तो आप जो भी डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो इस डेबिट कार्ड पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद गाइस नीचे आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड यूज का ऑप्शन, मतलब कि जो आपके पास पहले से ATM है, इनका डेबिट कार्ड है जो भी पुराने अकाउंट पर, आप उसी को चलाना चाहते हो या फिर न्यू लेना चाहते हो। तो अगर आप न्यू लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप लेना चाहते हो मतलब दूसरा
तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास पहले से डेबिट कार्ड है क्या, तो अगर आप यस कर देंगे तो फिर आपको नया डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप लोगों से पूछेगा कि न्यू डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बताइए कि आपकी नीड है डेबिट कार्ड की या फिर नहीं है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक यस का एक नो का। तो आप यहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए इस वाले एक आइकन को, या अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। आप नीचे अगर आप यस करोगे उसके नीचे आपसे एक कॉलम आएगा, आपको डेबिट कार्ड पर नाम क्या चाहते हो आप, तो बताना पड़ेगा आपको कि आप डेबिट कार्ड पर अपना क्या नाम चाहते हो, तो आपको वो देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, पूरा कॉलम। आप एक एक करके अपने कैपिटल अक्षर में सारा का सारा नाम लिख दीजिए जो भी आप डेबिट कार्ड पर लेना चाहते हो। जब भी आपका डेबिट कार्ड आपको मिलेगा आपका यही वाला नाम डेबिट कार्ड पर आएगा। दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन मिलता है आप लोगों को कि आप अपने डेबिट कार्ड को इंटरनेशनली यूज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। तो अगर आप इंटरनेशनली यूज करते हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए नीचे, वरना आप यहाँ से नो कर सकते हो। अब नीचे आप लोगों को एक मिलता है ऑप्शन चेकबुक का कि चेकबुक आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अगर आप चेकबुक इशू कराना चाहते हो तो इस टिक मार्क को टिक कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। अब ये ऑप्शन आपका है वो पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट भर चुका है। दोस्तों नीचे आप लोगों को देख सकते हैं कि और भी ऑप्शन मिलेंगे कई। नीचे आप लोगों को एक कॉलम पर अपना साइन कर देना है और अपना यहाँ से नाम डाल देना है। लास्ट में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपना नाम डाल करके और अपना साइन कर देना है इसमें कॉलम में, ठीक है। इसके साथ नीचे आप देखेंगे तो आपको एक और दूसरा फॉर्म मिलेगा जो कि रहेगा बैंक यूज ओनली। मतलब कि इस फॉर्म में आपको यहाँ से कुछ भी नहीं भरना है, इस सारे के सारे फॉर्म को भरेगा जो भरेगा बैंक। आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपका जो काम है वो ऊपर वाले ही फॉर्म में यहाँ से हो चुका है। यही वाला फॉर्म अब आपको किसी भी प्रिंटर से आपने जो निकाला होगा पहले, इसके बाद इसको भरा होगा पेन से, ये फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से लेकर के और साथ में अपना एक पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेकर के जाकर के बैंक में जमा कर देना है। और जैसे ही बैंक के पास आप जमा करोगे 7 working days के अंदर आपका अकाउंट है अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आप इस अकाउंट को जो भी आप नए यूज करना चाहते हो नए फॉर्मेट में उसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपका 25,000 वाला था, 10,000 आपने कराया है, उसके बाद आपका अकाउंट बदल करके 10,000 वाला हो चुका होगा। उसके बाद अगर आप इसमें 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगी।